हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 एंड x इक्वल्स टू -3 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो a एंड b के टर्म्स में गिवन है एंड इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 एंड x इक्वल्स टू -3। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन राइट कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 अपॉन 3 पुट करते हैं, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 इस इक्वेशन का एक रूट है, तो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो a x की वैल्यू 2 अपॉन 3 एंड इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 एक्स की वैल्यू 2 अपॉन 3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर है, इसे स्क्वायर कर लेते हैं, ये होगा 4 अपॉन 9 प्लस 7 टू जा 14 अपॉन 3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब 4 अपॉन 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 ए अपॉन 9 प्लस बी को यहाँ राइट कर लेते हैं एंड कॉन्स्टेंट टर्म 14 अपॉन 3 को राइट साइड कर लेते हैं, तो ये होगा -14 अपॉन 3। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू -3 पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर, यहाँ पे a x स्क्वायर की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर 9 एंड a में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9a, 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -21, ये साइन प्लस है और ये माइनस है, देन यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा प्लस b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एंड इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। b इक्वल्स टू होगा 9 को ट्रांसपोज करेंगे एंड 21 को भी, तो जो प्लस होगा प्लस 21 को पहले राइट कर लेते हैं एंड माइनस 9a, ये हो गया b की वैल्यू 21 माइनस 9a। एंड अब इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुटिंग b इक्वल्स टू 21 माइनस 9a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में b की ये वैल्यू पुट करते हैं, होगा 4a अपॉन 9 प्लस b की वैल्यू है 21 माइनस 9a इक्वल्स टू माइनस 14 अपॉन 3। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4a अपॉन 9, 9 माइनस 9a को साथ में राइट कर लेते हैं प्लस 21 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये होगा माइनस 14 अपॉन 3 माइनस 21। अब इसे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे 9 आएगा, यहाँ पे होगा 4a, ये होगा माइनस 81a इक्वल्स टू, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 3 एंड ये होगा माइनस 14 एंड यहाँ पे होगा माइनस 63। अब 18 से 4 को माइनस करेंगे तो 77 होगा एंड 81 निगेटिव में है तो ये निगेटिव साइन आएगा, माइनस 77 अपॉन 9 होगा इक्वल्स टू, ये दोनों का साइन सेम है तो दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 14 एंड 63 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 77 अपॉन में 3। अब हमें यहाँ a की वैल्यू फाइंड आउट कर, तो 77 अपॉन 9 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हो जाएगा a इक्वल्स टू माइनस 77 अपॉन 3, ये वाला नंबर पहले हमने राइट कर लिया। अब ये 77 अपॉन 9 ट्रांसपोज होगा तो ये फ्रैक्शन अपोजिट हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 अपॉन माइनस 77। अब देख रहे हैं 77 टू 77 कैंसिल हो गया, अब 3 वन जा 3 एंड 3 3 जा 9 हो गया। अब a की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 1, इसकी 1 की कोई वैल्यू नहीं, इसको a इक्वल्स टू 3 राइट कर लेते हैं। हम a की वैल्यू 3 डायरेक्ट ऐसे भी राइट कर सकते हैं बिकॉज की 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। अब हम इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन लेट कर, अब हम a की वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, b इक्वल्स टू होगा 21 माइनस 9
ए की वैल्यू 3 अभी हमने फाइंड आउट की, बी इक्वल्स टू 21 माइनस 9 थ्री जा 27। अब ये पॉजिटिव साइन है एंड ये नेगेटिव साइन है, बड़े नंबर से छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं, 27 से 21 माइनस करेंगे तो 6 आएगा एंड साइन नेगेटिव लगेगा, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस एंड ए की वैल्यू आ गई 3। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ए इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू माइनस 6। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं।